प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की आज शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये उज्ज्वला योजना है क्या, इससे किस तरह का असर डालने की कोशिश की जा रही है और क्या बदलाव अभी तक आए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो पहला चरण था वो 1 मई 2016 को शुरू किया गया था और पहला उद्देश्य ये था कि 5 करोड़ ऐसे परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं उन्हें मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी और मैंने आपको बताई दिया कि किस तरह से 5 करोड़ परिवारों को यह लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका नाम जैसा कि रखा गया उज्ज्वला योजना, यानी महिलाओं को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश थी कि महिलाओं को घर में चूल्हा न होने की वजह से, ईंधन गैस का चूल्हा न होने की वजह से जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो न करना पड़े। अप्रैल 2018 में सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ा दिया और 7 और कैटेगरी की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान के वर्कर्स को शामिल किया गया और वनवासी और द्वीपों में रहने वाले, जो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, उनको भी शामिल किया गया। और इस तरह से यह संख्या जो थी बढ़कर 8 करोड़ हो गई। अब जो दूसरे चरण का आज अनाउंसमेंट हुआ है उसमें क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। उज्ज्वला योजना के पहले चरण में तो सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए डिपॉजिट मनी की आर्थिक सहायता देती थी और इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले जो परिवार थे वो स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज का लोन भी ले सकते थे। दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री दी जाएगी और इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। यानी पहले गैस चूल्हे के लिए लोन दिया जाता था, इस बार गैस चूल्हा भी फ्री है और पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री है, जो कि पहले चरण में नहीं था। दूसरे चरण में आवेदन के लिए जरूरी पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स को भी कम कर दिया गया है। केवाईसी के लिए किसी नोटरी या हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। साथ ही किसी दूसरी जगह पर रह रहे लोगों के पास अगर निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से परिवार विस्थापित हुए हैं कोरोना के समय में। नौकरीशुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को भी एक तरह से राहत देने की कोशिश की गई है। आप सभी जानते हैं कि बहुत से मजदूर कोरोना काल में एक शहर से दूसरे शहर या फिर बड़े शहरों से अपने गांव और अपने छोटे शहरों की तरफ विस्थापित हुए। अब पहले यह कहा गया था कि किस तरह से 5 करोड़ परिवार को उसका लाभ दिया जाए और फिर यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ तक पहुंची। अब इस योजना के तहत किस किस को मिलेगा गैस कनेक्शन? 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं किसी भी कैटेगरी से हूं, जो कैटेगरी दी गई है मैं आपको बता रहा हूं, एससी एसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वनवासी हो या 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार एससी सीसी कैटेगरी में आते हों या आइलैंड या रिवर आइलैंड में रहने वाले लोग हों। कहने का मतलब यह है कि जो लोग सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं उन तक ये लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए ई केवाईसी होना जरूरी है। पहचान और पते के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड से काम चल जाएगा। राशन कार्ड या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम हो वो भी चल जाएगा। लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो। और इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस समय आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री ने आज के उद्घोषणा में बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से ओलंपिक में जो खिलाड़ी हमारा मेडल जीत कर लाए हैं, बहुत से बदलाव अगर पहले हो गए होते, ऐसे परिवारों को जो बहुत मुश्किल में जीवन यापन करते हैं उनको पहले ही हमने इतनी मदद पहुंचा दी होती तो बहुत से हालात बदल सकते थे। उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने को लेकर भी कहा कि बहुत से बदलाव हैं जो अभी आ रहे हैं लेकिन ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। इसके साथ ही बायोफ्यूल की जो आवश्यकता है उसको महत्व देने की बात की
और उन्होंने कहा कि भविष्य में हम लक्ष्य ये रख रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को 20% तक बढ़ा दिया जाए, यानी जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है उसको 20% तक ले जाया जाए, और साथ ही ऐसी गाड़ियां बने जिनमें इफेक्टिव फ्यूल टेक्नोलॉजी हो, ताकि अगर अलग अलग पेट्रोल और इथेनॉल की उनमें क्षमता बनाई जाए जिससे कि वो गाड़ियां चल सकें। ऐसी तमाम बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं, और आज के उद्घोषण से ऐसा लगा कि पहले तो वो रक्षाबंधन से पहले एक आशीर्वाद लेने आए थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की बहनों को एक तोहफा भी देना चाहता हूँ रक्षाबंधन से पहले, और आशीर्वाद भी चाहता हूँ, और एक तरह से एक कोशिश ये की गई कि महिलाओं के लिए सरकार कितनी सजग है, कितनी कोशिश कर रही है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ग में महिलाओं के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रेशर ये रहता है चूल्हे चौके का, और उसमें सबसे बड़ा अगर हिंड्रेंस ये है कि घर में चूल्हा नहीं है, या चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर वो ऐसी जगहों पे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर LPG की सप्लाई नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आती है। तो सारा फोकस प्रधानमंत्री का उस तरफ था, और उम्मीद है कि ये जो दायरा बढ़ाया है उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँचेगी, और कोशिश यही की जा रही है कि जितने ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचाया जाए। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रहा ये आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इस बारे में और भी जो ज़्यादा जानकारी होगी उसको लेकर मैं आता रहूँगा, ताकि हम समझ सकें कि इस योजना का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सके।